हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस में मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, एक मिनट, कि सपोज करो अगर मैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को याद करूँ, तो आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करके एक टॉपिक किया था, आर जो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये होता था R इज इक्वल टू V बाई आई, वही लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आई, ये टॉपिक किया आपने। सिमिलरली इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मैं क्या टर्म यूज करूंगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट की जगह क्या पुट करूंगा, हीट करंट। तो अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस को हीट करंट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस आएगी, पर इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम पैटर्न पे बना दिया। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता क्या था, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। लिक्विड के अंदर लिक्विड करंट क्या होता था, बताओ क्या होता था, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड को लिक्विड करंट बोलते हैं। हीट करंट क्या होता है, हीट करंट होता है एच, अभी किया था, दैट इज कितनी हीट फ्लो हो रही है पर सेकेंड, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाय टी, इसको हीट करंट बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस निकाल दूं और उसको हीट बाय टाइम, हीट करंट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगी, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्यू बाय टी की वैल्यू अगर आपसे पूछूं, तो आपने की हुई है, क्यू बाय क्यू की वैल्यू अभी मैंने क्या सिखाई थी, के ए टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ एक्स, ये किया था हमने। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू बाई टी की वैल्यू आ जाएगी के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स, तो हीट करंट आ गया। इस हीट करंट को यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई कितना, एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, एक्स डिवाइडेड बाई के। तो फॉर्मूला आ गया थर्मल रेजिस्टेंस का, जो भी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उसको के और ए से डिवाइड करेंगे, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये प्रूफ स्कूल में तो नहीं आता, पर ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं आ जाता है मार्क करने को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है यहाँ तक? तो आपकी असाइनमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे सारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वी बाय आई, इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस और आई की जगह हीट करंट, थर्मल रेजिस्टेंस। तो क्यू बाई टी से मैंने एच निकाल लिया, ये क्यू बाई टी की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इस क्यू बाई टी को एच की जगह पुट करके आपके पास आंसर वही आएगा, डेल्टा एक्स बाई के ए, जो भी मैंने प्रूफ किया था। मेरा ये वाला प्रूफ थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है लोगों को, क्योंकि थोड़ा ईजी समझाया हुआ है। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्स अपॉन के इंटू ए, फॉर्मूला कर लो।